हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी सब ठीक हैं। और सुबह उठ के चाय वगैरह बना दी थी, गेस्ट आए हुए हैं और झाड़ू वगैरह हो गई। क्यों आज मैं ब्लॉग लेट बनाना पड़ा, क्योंकि घर पे गेस्ट आए हुए हैं, उसके लिए ज़रूरी था काम वगैरह पहले करना। तो आज प्रोग्राम भी है भंडारे का, तो इसलिए गेस्ट और भी आएंगे। घर की झाड़ू हो गई है, पोछा बाकी है और बहन कपड़े धो रही है और मैंने लिपा अब चूल्हा। कैसे दिखाऊं? ये चूल्हा लिप दिया मैंने। सुन लिया गाइस, वो क्या बोल रही है? मैं चलो दिखा रही सॉरी, ये वो बकवास कर रही है। हो गया मेरा, अरे इसमें अब गेहूं के दाने गिर जाएंगे ना। हमारा काम खत्म हो गया है और थोड़ी से टाइम लग गया काम करने में। आज कोई ना कोई घर पे आ रहे थे, इसलिए तो कोई भी अभी आ सकता है, तो इसलिए पूरा काम खत्म हो गया है। झाड़ू पोछा हो गया है, बच्चों का नाश्ता भी हो गया है और बच्चों को सबको नहला दिया है, कपड़े भी धो गए हैं, हम भी नहा लिए, हम रेडी हो गए मंदिर जाने के लिए। कभी भी कॉल आ सकता है मंदिर जाने के लिए। ताई जी ने कर रखा है आज का भंडारा, तो हम जाएंगे। दीदी जा चुकी है और दीदी को हमने कर दिया विदा और हम जा रहे हैं मंदिर में। हम सब रेडी हो गए हैं और मैंने पहली बार ये कड़े पहने हैं मंदिर में जाने के लिए। ये भी कम ही पहन रखा है, पता नहीं क्यों, जिंदगी में पहली बार ये कड़े पहने मैंने। हम पहुंच रहे हैं मंदिर में, यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है राधा कृष्णा का, आपको बाद में दिखाते हो। इधर हम खाना खाएंगे। चाची राम राम। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो बहुत पूरा महीना पड़ा है सावन का। पहली बात तो यह है कि मैंने नहीं पता था कि भोलेनाथ इतनी भांग पीते हैं। अच्छा, मुझे पता होता ना मैं शादी नहीं करवाती। देख तेरे लिए सब क्या के ठाट कर रखे हैं। अच्छा, सारे ऐश कर रखे हैं तेरे खतर, बस काम एक ही है कि तेरा भान घोटनी है, उसमें भी तू नाकर मोड़े से कर रही है। ये नाकर मोड़े? हाँ, मैं तो लोग खुश हुई थी कि भोलेनाथ से शादी करूंगी तो मैं बहुत खुश रहूंगी। अभी नो कर दे ठाट कर रखे हैं। कौन से ठाट कर रखे? ठाट तो एक बात बता, आज तक मैंने तेरे पे कपड़े धुआए हैं? नो कह रहा जी, कपड़े धुआए हैं, कपड़े पहन रही हूँ, जो कपड़े धोऊंगी इसकी। तेरे कने कदे घर में पोछा भारी करवाया है? तेरे घर है रहने, जो घर में पोछा करूंगी मैं। कदे बर्तन मंजवाए तेरे कने? कभी खाना खा के देखा किसका हुआ है? एक कुंडी सोडा ला के घेर रखा मैं, उसी में लगाए रखा रहते हैं। तो वो एक काम है तो फिर करती रहे, लाते क्यों? नहीं माना कर बिगड़ रहा है, थम ताली बजाड़ भाग रहे वो। सारी मेरी मानोगे के? मेरी मानोगे? तू मना के देख ले, हल्की हल्की ताली बजाते रहो। अच्छा एक बात बताओ, सावन का महीना है, मैं बोड़ा पड़ रहा हूँ, थमने मेरा है कड़ा बोड़ा आ रहा है मेरे में, मेरे में गोरा वही आ रही है, मेरे साथ में भांग कौन कौन पीवेगा? हाथ उठाओ, शंकर भगवान का प्रसाद है, उठा ले उठा ले, कोई खींचता कौन है ऊपर। आज दिन में मैं ब्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि घर पे ना गेस्ट आए हुए थे और उनकी चाय पानी वगैरह बना रहे थे, तो टाइम नहीं लगा। खूब हंसी मजाक कर रहे थे, खूब मजा आया सबसे मिलके। अच्छा लगा कि मतलब सभी से मिलके, जिसे नहीं मिले थे उससे भी मिले, तो बहुत अच्छा लगा। क्या बताऊँ, बहुत ही खुश है आज तो, अच्छा लगा। फिर चाय पानी करने के बाद, मजाक वगैरह करने के बाद, फिर थोड़ा सा सिर भारी हो गया था, क्योंकि रात में जगे थे,
तो रात को नींद मैंने नहीं आई क्योंकि मेरी जगह चेंज हो गई थी सोने की, तो इसलिए ज़्यादा सिर भारी हो गया, ना तो नींद आई ना सिर हैवी इतना हो गया कम हुआ, तो इसलिए ऐसे ही आधे घंटा आँख मिच के पड़ी रही पर नींद नहीं आई। उठने के बाद मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई है, वीडियो डाल दी है, आप लोग जाके देखिए। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। और हमारा काम हो गया है, डिनर सबका हो गया, तो डिनर में से कुछ खास नहीं था, थोड़ी सी रोटी बनाई थी, किसी को भूख नहीं थी, दिन का खा रखा था, मंदिर का प्रसाद खा रखा था ना, इसलिए भूख नहीं थी। तो सबका हो गया है और दूध देना बाकी है, अब मैं दे रही हूँ उनको बच्चों को दूध। मेरा दूध भी हो गया और मेरा खाना भी हो गया, आ जाओ। तो दीपेश ले लियो, हाँ बोल। ये जो है ना वीडियो बना रहे हो, हाँ ये ना मैं फास्ट कर दूंगी, ये वाला पार्ट जो आपने रखा है ना, अपना काम कर ठीक है। और आ जाओ, सबका दूध डाल के रख दिया है मैंने, अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। एक गिलास मोर डालना है ना, नहीं है भाई, होगी बाहर सबका दूध हो गया है, अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। गुड नाइट गाइस, अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। गुड नाइट।